हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी सीखना चाहते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फुल कोर्स विथ नोट्स? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फुल कोर्स वो भी नोट्स के साथ आज से हम अपलोड करते रहेंगे। तो हमारे जो हम जो आपको नोट्स देंगे उसे आपको डाउनलोड करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो देख लीजिए, हमने पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि ये इंट्रोडक्शन में होता क्या है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। तो पहले हम जान लेंगे प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग इज ए मीडियम, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज ए मीडियम फॉर अस टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग एक माध्यम है जिससे हम कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकते हैं। जस्ट लाइक वी यूज हिंदी और इंग्लिश टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, जैसे हम हिंदी या इंग्लिश का यूज करते हैं दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। उसी तरह प्रोग्रामिंग इज ए वे, प्रोग्रामिंग एक रास्ता है फॉर अस टू डिलीवर आवर इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग एक रास्ता है जिससे हम अपने इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि व्हाट इज सी। सी क्या है? सी इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सबसे पुराना और सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये डेनिस रिची ने बनाया था एट ए टी एंड टी पर बेल लैब में, जो यूएसए में 1972 में बनाया था। अब देख लेते हैं सी का कहां कहां यूज होते हैं। तो सी इज यूज टू प्रोग्राम ए वाइड वैरायटी। सी बहुत ही तरह के प्रोग्राम बनाने में यूज होता है। आप सिस्टम सम ऑफ द यूजेस सी आर फॉलो, आप नीचे देख सकते हैं सम यूजेस लिखे गए हैं पॉइंट वाई। मेजर पार्ट्स ऑफ विंडो, पहला है मेजर पार्ट्स ऑफ विंडो लिनक्स एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम आर रिटेन इन सी। विंडो के मेजर पार्ट्स लिनक्स और भी कई ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज में राइट किए गए हैं, लिखे गए हैं सी। और दूसरा पॉइंट है सी इज़ यूज टू राइट ए ड्राइवर्स प्रोग्राम फॉर डिवाइसेज लाइक टैबलेट्स प्रिंटर ईटीसी। सी का यूज होता है ड्राइवर प्रोग्राम को लिखने के लिए, जैसे टैबलेट्स के लिए, प्रिंटर्स के लिए, ईटीसी के लिए। सी लैंग्वेज इज़ यूज टू एम्बेडेड सिस्टम वेयर प्रोग्राम नीड टू रन फास्टर इन लिमिटेड मेमोरी माइक्रोवेव कैमराज ईटीसी। सी का यूज होता है छोटे से सिस्टम में, जो मेमोरी तो छोटा होता है पर रन फास्ट करता है, जैसे कैमराज हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ईटीसी। सी यूज टू, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सी इज यूज टू डेवलप गेम्स एंड एरिया वेयर लेटेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कंप्यूटर हैज़ टू रिएक्ट क्विकली ऑन यूजर इनपुट। सी जो हमारा होता है ये गेम्स डेवलप के लिए भी यूज होता है, जहाँ पर लेटेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि कंप्यूटर जल्दी से यूजर का इनपुट को क्विकली रिएक्ट कर सके और उसको पा सके। तो हमने इंट्रोडक्शन तो थोड़ा बहुत जान ही लिया कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, सी लैंग्वेज क्या होता है, सी लैंग्वेज के यूजेस क्या होते हैं। तो हम सी लैंग्वेज का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैप्टर वन है हमारा वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स एंड कीवर्ड। तो सबसे पहला हमारा है वेरिएबल्स। तो हम देख लेते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल इज ए कंटेनर विच स्टोर्स ए वैल्यू। वेरिएबल एक कंटेनर है जो वैल्यू को स्टोर करता है। एज फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, इन किचन वी हैव कंटेनर्स स्टोरिंग राइस दाल शुगर ईटीसी। हम गांव में जैसे देखते हैं दाल को, चावल को यूज करने के लिए, स्टोर करने के लिए जैसे कंटेनर्स का यूज होता है, उसी प्रकार वेरिएबल्स का यूज वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है। सिमिलर टू डैट वेरिएबल्स इन सी स्टोर्स वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स। सिमिलर टू डैट वेरिएबल, इसी वेरिएबल्स के सिमिलर में ही सी स्टोर्स वैल्यू ऑफ ए कॉन्स्टेंट। सी जो है वो वैल्यू को कॉन्स्टेंट में स्टोर करता है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, ए इज इक्वल टू
थ्री, बी इज इक्वल टू 4.7, ए इज असाइंड एज 3, ए जो है वो 3 के लिए असाइन किया गया है कि ए का वैल्यू 3 है। उसी प्रकार बी इज असाइंड 4.7, बी को असाइन किया गया है 4.7 के लिए क्योंकि बी का वैल्यू 4.7 है। तो रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल इन सी, वेरिएबल्स के नेम डिक्लेयर करने के भी सी लैंग्वेज में कुछ रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट हम रूल देख लेते हैं क्या होता है पॉइंट वाइज पॉइंट। तो पहला रूल है फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट आर अंडर स्कोर। जो पहला कैरेक्टर होना चाहिए वो अल्फ़ाबेट में होना चाहिए या अंडर स्कोर के बीच में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है नो कामा ब्लैंक अलाउड, ना ही ब्लैंक होना चाहिए और ना ही कोई कामा होना चाहिए। नो स्पेशल सिंबल अदर देन हाइफन इज अलाउड, बिना किसी भी स्पेशल सिंबल को आप नहीं यूज कर सकते बिना अंडर स्कोर के, बिना अंडर स्कोर के आप और कोई भी सिंबल नहीं यूज कर सकते। और चौथा हमारा वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव, वेरिएबल नेम है जो केस सेंसिटिव होते हैं। वी मस्ट क्रिएट ए मीनिंगफुल वेरिएबल्स नेम्स इन आवर प्रोग्राम, दिस इन्हेंस रेडियरली ऑफ आवर प्रोग्राम्स। तो हम प्रैक्टिकल कर देख लेते हैं इस को कि क्या कह रहा है, तभी हमको समझ में आएगा। तो हम प्रैक्टिकल करते हैं, अपने स्क्रीन पर चलते हैं। तो हम आ गए हैं अपने टर्बो सी प्लस प्लस के स्क्रीन पर और मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है ताकि आप जो इसमें रूल होते हैं वेरिएबल के नेमिंग को डिक्लेयर करने का उसे आप इजीली समझ पाएँ। तो हमारा एक वेरिएबल, हमारा एक रूल होता है कि आप हाइफन के, हमारा जो अंडर स्कूट के अलावा और भी कोई और कोई सिंबल यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम में। तो जैसे हम आपको दिखा देते हैं, आप यहाँ पर अगर कुछ भी टाइप करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। आप कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट फ्रॉम, तो इसमें आप इस हाइफन के अलावा और कुछ अगर यूज करेंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। जैसे मैं हाइफन यूज करता हूँ तो ये कंपाइल करूँगा तो ये हमारा सक्सेस होगा। पर और अगर कोई सिंबल यूज करते हैं, अगर और कोई सिंबल यूज करते हैं आप, तो आपका गलत कर दे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आप परसेंटेज ले लिया, अब इसे कंपाइल कर हम देखेंगे। तो ये देखिए हमें एरर बता रहा है क्योंकि हमने देखिए ये पर हाइफन के अलावा और कोई एडिशनल और कोई सिंबल यूज नहीं कर सकते। तो हमारा इसे भी इस तरह हम इसे भी नहीं कर सकते। और हमारा एक रूल है वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, वेरिएबल्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव आते हैं। आप जैसा होता है उसी तरह लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखा है तो आप यहाँ पर कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते। जैसे अगर मान लीजिए मैं कंपाइल करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये सक्सेस बता रहा है। पर अगर आप यहीं पर या प्रिंट ऐप में कहीं भी आप यहाँ पर जैसे है तो आप अगर लिख देंगे, आप लिख देते हैं कैपिटल लेटर में जी ई टी सी एच, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव होते हैं। देखिए मैं एक स्पेलिंग यहाँ पर ज़्यादा कर लिया हूँ। तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव होते हैं। देखिए मैं कंपाइल करता हूँ, देखिए ये एरर मुझे बता रहा है क्योंकि ये जो है ये केस सेंसिटिव होते हैं। आप जैसा होता है उसी तरह लिख सकते हैं, इधर उधर अपने मन से नहीं कुछ भी जोड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरह। तो हम फिर से चलते हैं अपने नोट्स पर। देखिए हम अपने नोट्स पर आ चुके हैं और अब हमारा है कॉन्सोनेंट्स, कॉन्स्टेंट्स है हमारा है कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? एन इंटीटली हुज वैल्यू डज नॉट चेंज इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है उसे कॉन्स्टेंट कहते हैं। ए वेरिएबल इज एन इंटीटली हुज वैल्यू कैन बी चेंज, और जो वेरिएबल होते हैं वो इंटीटली होते हैं, वो ऐसे इंटीटली होते हैं जिनका वैल्यू चेंज हो सकता है। और जो कॉन्स्टेंट होते हैं वो ऐसे एक ऐसे इंटीटली होते हैं जिनका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। जैसे टाइप्स आप देख लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स के टाइप देख लेते हैं। प्रीमरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है इंटीजर, दूसरा है रियल इंटीजर कॉन्स्टेंट पहला होता है, और दूसरा होता है रियल कॉन्स्टेंट, और तीसरा होता है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स।
इंटीजर कॉन्स्टेंट में जैसे आपको इंटीजर वैल्यू ऐड करना हो, जैसे इंटीजर 1, 2, -3, -4, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेके दिया गया है -1, 6, 7, 9। और रियल कॉन्स्टेंट होते हैं पॉइंट वैल्यू, जैसे 32.21, जैसे 2.25, इस तरह के वैल्यू रियल कॉन्स्टेंट में आते हैं। और चैरेक्टर कॉन्स्टेंट, चैरेक्टर कॉन्स्टेंट जैसे अक्षर, एक चैरेक्टर जैसे ABCD इस तरह के कोई सिंबल हो, वो सब चैरेक्टर कॉन्स्टेंट में आते हैं। और देखिए यहाँ पर जो चैरेक्टर कॉन्स्टेंट होते हैं उन्हें हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कामा में रखा जाता है, क्लोज किया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है, इसे याद रखिए। कीवर्ड्स, दीज आर रिजर्व्ड वर्ड्स हुज मीनिंग इज ऑलरेडी नो टू कंपाइलर, देयर आर 32 कीवर्ड्स अवेलेबल इन सी। कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड होते हैं जो जिसका मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर में स्टोर होता है, ये 32 कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में, 32 कीवर्ड्स होते हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, जो कि ये आपको याद रखने की कोई बात नहीं है, ये सी लैंग्वेज में ऑलरेडी स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 32 कीवर्ड्स हैं, आप याद कर सकते हैं, याद कर लें तो और अच्छा है। ऑटो, ब्रेक, केस, चेयर, कॉन्स्टेंट, जैसे हम हर चीज़ को अगर ज़्यादा डिटेल में लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, उसी लिए केस, चेयर, चैरेक्टर को चेयर। तो हम अपने टर्बो C++ पर आ चुके हैं, तो हम अपना सबसे सी प्रोग्राम में सब फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे, अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे। तो उसके लिए सिंपली आपको फाइल पर जाना है और यहाँ पर से आपको न्यू कर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर से आपको इसे जूम आउट कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले आपने, मैंने जैसे आपको बताया था कि सबसे पहले हेडर फाइल को ऐड करना है, तो हेडर फाइल को ऐड कर लेंगे। आप जाकर देख सकते हैं या स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, हेडर फाइल ऐड करना होता है, तो हेडर फाइल को ऐड कर लेते हैं इंक्लूड। उसके बाद हमारा होता है stdiostudio.h। उसके बाद हमारा होता है मेन मेथड। तो देखिए सबसे पहले अगर आप टर्बो सी यूज कर रहे हैं तब आपको केवल एक ही नहीं दो हेडर फाइल को ऐड करना पड़ेगा, जो है दूसरा हेडर फाइल होता है हैश इंक्लूड conio.h। और अगर आप VS Code ये सब यूज कर रहे हैं तब आपको इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप टर्बो सी यूज कर रहे हैं तो आपको इसको, अगर इसको यूज नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा सही से। तो सिंपली अब आपको मेन मेथड होता है, तो सिंपली मेन मेथड पे आना है। तो मैं यहाँ मेन टाइप कर लेता हूँ मेन, उसके बाद आपको लगा देना है पैरेंथेसिस ब्रैकेट और उसके बाद सेमी कॉलन लगा देना है। उसके बाद होते हैं कर्ली ब्रेसेस, तो हम कर्ली ब्रेसेस लगा लेते हैं, ओपन कर्ली ब्रेसेस और क्लोज कर्ली ब्रेसेस। अब इन ओपन कर्ली ब्रेसेस और क्लोज कर्ली ब्रेसेस के बीच में आप जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे उसके बाद सेमी कॉलन लगाना जरूरी है। यहाँ पर देखिए सेमी कॉलन मेन पर सेमी कॉलन नहीं लगाना है, पर कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो भी आप टाइप करेंगे वहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाना जरूरी है। तो मैं प्रोग्राम को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मैं कुछ भी अगर आपको प्रिंट करवाना है तो उसके लिए प्रिंट एफ का यूज किया जाता है। तो सिंपली मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ प्रिंट एफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट डबल कोट, और इसके अंदर भी आपको जो भी टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हैं, और जो प्रिंट एफ में जो भी आप लिखेंगे वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, स्क्रीन पर दिखाएगा। तो जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ उसके बाद डबल कोट लिखना है, फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाकर सेमी कॉलन लगा देना है। आप जो भी प्रिंट एफ में लिखेंगे वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए अगर आप सी टर्बो C++ यूज़ कर रहे हैं तो आपका अगर इस तरह से प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो आपका रन नहीं होगा। तो टर्बो C++ में स्क्रीन को होल्ड करने के लिए आपको एक कमांड का यूज करना पड़ता है, जो है GETCH, उसके बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाना होता है और सेमी कॉलन लगाकर बंद कर देना होता है। अब देखिए हम कंपाइल करके देखेंगे हमारा प्रोग्राम सही है कि नहीं। आप सेम देख सकते हैं, आप
मैंने जो हमारा आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम है उसमें भी मैंने सेम आपको ऐसे ही बताया है। तो हम सिंपली पहले यहाँ पर कंपाइल पर जाएंगे और कंपाइल पर क्लिक करके देखेंगे हमारा प्रोग्राम सही है कि नहीं। तो ये देखिए हमारा एरर 0 बता रहा है, केवल हमारा यानी कि सही है। तो हम रन करवा के देख सकते हैं, तो हम रन करवाएंगे। देखिए यार रन हो गया हमारा, देखिए लिखा आ रहा है माई चैनल सब्सक्राइब सब्सक्राइब माई चैनल सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए ये इतना बार इसलिए लिख रहा है क्योंकि यहाँ पर पुराने रिजल्ट को भी ये प्रिंट कर दे रहा है। तो पुराने रिजल्ट को क्लियर करने के लिए हम एक कमांड का यूज करते हैं जो है CLRSCR, फिर डबल कोट और सेमी कॉलन लगा देते हैं। याद रखिए ये आपको जब कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे तभी लगाना होता है, और जो ये स्क्रीन को होल्ड को करने के लिए होता है ये एकदम लास्ट में आपको लगाना होता है जब अपना पूरा कमांड जब अपना पूरा कोड लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए अब हम रन करवा कर देखेंगे। देखिए ये एक बार आ गया सब्सक्राइब माय चैनल, ये लिखा गया। इस प्रोग्राम का काम था हमने जो भी प्रिंट एफ में टाइप किया है उसे प्रिंट करवाने का। तो अब देखिए हम आते हैं फिर से अपने नोट्स पर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। ऑल सी प्रोग्राम हैव टू फॉलो ए बेसिक स्ट्रक्चर। ऑल सी प्रोग्राम जो है उनको एक बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। ए सी प्रोग्राम स्टार्ट विथ मेन फंक्शन एंड एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इनसाइड ईच इंस्ट्रक्शन इज टर्मिनेटेड विथ सेमी कॉलन। जो एक सी प्रोग्राम होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है और जो मेन फंक्शन के इनसाइड में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं वो इंस्ट्रक्शन रन होते हैं या कहें एक्सिक्यूट होते हैं। ईच इंस्ट्रक्शन इज टर्मिनेटेड विथ ए सेमी कॉलन। जो जितने भी आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो उसे सेमी कॉलन से टर्मिनेटेड करना जरूरी है। देयर आर सम रूल्स विच आर एप्लीकेबल टू ऑल सी प्रोग्राम। इसके बहुत से रूल हैं जो सी प्रोग्राम में एप्लीकेबल होते हैं। जैसे पहला एवरी प्रोग्राम एक्सिक्यूटन स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन। जितने भी प्रोग्राम हैं उनके एक्सक्यूशन मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ऑल दी स्टेटमेंट्स आर टर्मिनेटेड विथ ए सेमी कॉलन। जितने भी स्टेटमेंट आप टाइप करेंगे उसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना बहुत ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शंस आर तीसरा पॉइंट है इंस्ट्रक्शन आर एक्सिक्यूटेड इन सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटेन। इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो जिस तरह आप जिस फॉर्मेट में आप लिखे रहेंगे उसी फॉर्मेट में वे एक्सिक्यूट होंगे। फिर चौथा पॉइंट है इंस्ट्रक्शंस आर केस सेंसिटिव। इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो भी केस सेंसिटिव होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि आप अगर स्मॉल लेटर में है तो आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा, आप कैपिटल लेटर नहीं लिख सकते। अब हमारा है कमेंट्स। अगर आपको अपने प्रोग्राम में कमेंट्स लिखना है तो हम कैसे टाइप करें कमेंट्स, तो आप देख सकते हैं कमेंट्स पहले क्या होते हैं वो जान लेते हैं। कमेंट्स आर यूज टू क्लेरिफाई समथिंग अबाउट द प्रोग्राम इन प्लेन लैंग्वेज। कमेंट्स यूज होता है अपने प्रोग्राम को क्लेरिफाई करने के लिए इन एकदम जैसे हम अपने लैंग्वेज में यूज करते हैं किसी प्रोग्राम को क्लेरिफाई करने के लिए अपने जैसे हम अपने खुद के लैंग्वेज में यूज करते हैं उस तरह। इट इज़ ए वे फॉर अस टू ऐड नोट्स टू आवर प्रोग्राम। ये एक रास्ता है जिससे हम अपने प्रोग्राम में अपने नोट्स को ऐड कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट इन सी। सी लैंग्वेज में दो तरह के कमेंट्स होते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट में लिखना हो तो आपको इसका यूज करना पड़ेगा डबल स्लैश का। और अगर मल्टी लाइन कमेंट जैसे आपको डबल लाइन कई लाइन में आपको अगर कमेंट लिखना है तो आपको इसका यूज करना पड़ेगा स्लैश स्टार। दिस इज ए मल्टी लाइन कमेंट। देखिए पहले तो आपको स्लैश देकर स्टार लिखना पड़ेगा और फिर इसके बीच में आप जो कमेंट लिखेंगे उसके लास्ट में आपको फिर से लिखना होगा स्टार स्लैश। कमेंट्स इन ए सी प्रोग्राम आर नॉट एक्सिक्यूटेड आर इग्नोर्ड। जो कमेंट्स होते हैं उस सी लैंग्वेज में वो रन नहीं होते हैं।
केवल इग्नोर हो जाते हैं, उसे आप ध्यान नहीं, बस आप जैसे मान लीजिए आपने इस प्रोग्राम को किसी को बना के दिया, तो आप अगर इस प्रोग्राम को डायरेक्टली बना के देंगे वो नहीं समझ पा रहा है तो आप कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसे हो रहा है, यहाँ पर ये टाइप करना है, तो इसीलिए कमेंट्स का यूज किया जाता है। तो हम अपने प्रैक्टिकल करके एक बार देख लेते हैं, तो फिर से हम उसी प्रोग्राम पर चलते हैं अपने टर्बो सी प्लस प्लस पर। तो देखिए हमने ये प्रोग्राम जो हमने प्रोग्राम फर्स्ट आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम बनाया था उस प्रोग्राम को मैंने ओपन कर लिया फिर से। अब फिर अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर कमेंट ऐड करना है तो सिंपली आप यहाँ पर से कमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको कमेंट ऐड कर दिखाता हूँ, तो कमेंट ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको अगर एक लाइन में ऐड करना है तो सब डबल बार इसे लिखना होगा। आप यहाँ पर जो भी आप कमेंट लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, जैसे जो आप ये कमेंट लिखेंगे ये रन नहीं होता है, केवल आप किसी दूसरे को समझाने के लिए कि आप क्या क्या करना चाहते हैं इसको आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं अभी रन करवाता हूँ, देखिए आपने जो टाइप किया था वो रन नहीं होगा, केवल आपके प्रोग्राम में रहेगा उस दूसरे को समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर CLRSCR का यूज़ किए हैं, आपने किसी इस प्रोग्राम को किसी को बना के दिया, वो नहीं समझता ये CLRSCR का क्या यूज है, तो आप यहाँ पर टाइप कर बता सकते हैं CLRSCR इज यूज्ड फॉर क्लियर स्क्रीन। क्लियर द ओल्ड रिजल्ट। तो आप अब वो समझ सकता है कि ये इसका यूज क्यों होता है। और अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आपको कमेंट का यूज इसका यूज करना पड़ेगा। अगर नहीं, अगर जैसे मैं आपको रन करवा के देखा हूँ, जैसे मैं रन करवा के देखता हूँ तो ये देखिए सिंपली रन हो जा रहा है, ये बता दे रहा है कि ये सही है। पर अगर आप कमेंट करना चाहते हैं और अगर इसका यूज नहीं करेंगे ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। जैसे मैं देखिए काट देता हूँ, कट कर दिया उसे, अब रन करवा देखेंगे। देखिए एरर बता रहा है, जो एरर है ये अंडरलाइन सिंबल अनडिफाइंड सिंबल, मतलब ये अनडिफाइंड सिंबल यूज हुआ है। पर अगर आप यहाँ पर अगर आप उस कमेंट का यूज करेंगे तो आप उसको बता भी सकेंगे और एरर भी नहीं होगा, प्रोग्राम में एरर भी नहीं होगा, इसीलिए कमेंट का यूज करते हैं। और अगर आप डबल मल्टी लाइन में अगर कमेंट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहले मैं टाइप कर लेता हूँ उसे, और अगर आप मल्टी लाइन को कमेंट करना चाहते हैं तो जैसे मैं यहाँ पर कमेंट करके दिखा देता हूँ मल्टी लाइन को कमेंट करने के लिए, तो सबसे पहले आपको लिखना होता है स्लैश, उसके बाद स्टार। अब इसके बीच में आप जो भी कमांड टाइप करेंगे, जैसे मैं देखिए जैसे ही टाइप किया ये हमारा कमांड हो गया। अब जब तक आप टाइप करेंगे, जैसे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, जैसे प्रिंट printf is used for, और आप दूसरे लाइन में लिखना चाहते हैं तो दूसरी लाइन में आप जैसे printf is used for print the value, उसके बाद जैसे ही आप स्टार लिखकर स्लैश लगाते हैं, देखिए ये कितना दूर का कमांड आपका ऐड हो गया है, मल्टी लाइन हो गया है मल्टी लाइन के लिए। और अगर आप इसको मल्टी लाइन में कर दिए, जैसे आपने यहाँ पर इस अगर मल्टी लाइन में लिखना चाहते हैं तो आपको इसका ही यूज करना पड़ेगा। अगर आप इसको लिखकर मल्टी लाइन को यूज कर देते हैं, अगर इस सिंबल का यूज कर मल्टी लाइन में टाइप कर देंगे, जैसे मैं पहले इसे कंपाइल करके दिखाता हूँ, कंपाइल करने पर यह सक्सेस बता रहा है। पर अगर आपने इसका यूज कर
इस सिंबल का यूज कर आप मल्टी लाइन कर देते हैं, जैसे मैं मल्टी लाइन कर देता हूँ तो ये रॉन्ग बताएगा क्योंकि ये दूसरी लाइन में हो गया है। तो फिर से आपको, जैसे मैं कंपाइल करता हूँ तो ये देखिए गलत बता रहा है, तो फिर से आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, फिर से आपको यहाँ पर कट कर फिर से कट करके यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो यही होता है कमेंट का रूल, अगर कमेंट करना चाहते हैं तो आपको इसी तरह करना पड़ेगा। जैसे मैं इस फाइल को भी सेव कर लेता हूँ, मैं इस फाइल को सेव कर लूँगा, मैं इसका नेम दे देता हूँ कमेंट। कमेंट ओके। अब फिर से हम चलते हैं, आप कमेंट का कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए होंगे। अब फिर से हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। अब देखिए हमें कमेंट भी कर लिया। अब देखिए कॉम्प्लिकेशन एंड एक्सिक्यूशन, फर्स्ट सी इन वीएस कोड में आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह आपको सेव करना है, जैसे मैंने अभी आपको सेव करके दिखा दिया है, सेम यही प्रोसेस होता है। एक कंपाइलर, जैसे मैं यहाँ देख लेता हूँ, ए कंपाइलर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज कन्वर्ट ए सी प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज सो दैट इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। एक कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे हम इजीली कंप्यूटर के द्वारा समझ सकें। एक सी प्रोग्राम इज रिटन इन प्लेन टेक्स्ट, दिस प्लेन टेक्स्ट इज कम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए पर्टिकुलर सिक्वेंस, द कंपाइलर परफॉर्म सम बेसिक चेक्स एंड फाइनली कन्वर्ट द प्रोग्राम इंटू एन एक्सिक्यूटेबल। जो एक सी प्रोग्राम होता है उसमें जब हम कोड लिखते हैं तो कंपाइलर से हम चेक करवाते हैं कि ये हमारा सही प्रोग्राम बना है या रॉन्ग बना है। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर कंपाइल है, अगर हम इस पर कंपाइल, ये कंपाइलर ही हमारा है, तो हम कंपाइल पर अगर टैप करेंगे तो हमें बताएगा कि हमारा प्रोग्राम सही बना है कि नहीं। देखिए सब बता देता है, लाइंस कंप्लीट, इतने वार्निंग्स, एक और एरर एक भी नहीं है, ये बता देता हमारा प्रोग्राम सही बना है कि नहीं। वही बात यहाँ पर है एक्सिक्यूटेबल। अब हम आते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है? सी लैंग्वेज हैज ए लॉट ऑफ वैल्यूएबल, सी लैंग्वेज के पास बहुत ही वैल्यू होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन विच इज़ यूज टू कैरी आउट सर्टेन टास्क, लाइब्रेरी फंक्शन जो होता है वो यूज होता है कुछ सर्टेन टास्क को कैरी करने के लिए। फॉर इंस्टेंस प्रिंट एफ, जैसे प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज टू प्रिंट वैल्यू ऑन द स्क्रीन। मैंने आपको पीछे बताया कि प्रिंट एफ का यूज वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए होता है, उसी तरह ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है क्योंकि इसका यूज प्रिंट वैल्यू को प्रिंट एफ करवाने के लिए होता है, प्रिंट करवाने के लिए होता है। जो भी आप स्टेटमेंट प्रिंट एफ में लिख देंगे वो प्रिंट हो जाएगा। फंक्शन इज यूज टू प्रिंट द वैल्यू ऑन द स्क्रीन, आप देख सकते हैं। और इसे लिखने का एक सिंटेक्स होता है, जैसे मानिए पहले आपको लिखना होता है, सिंटेक्स मतलब रूल होता है, जब सबसे पहले आपको लिखना होता है प्रिंट, उसके बाद लगाना होता है पैरेंथेसिस ब्रैकेट, उसके बीच में डबल कोट, और उसके बीच में आपको जो भी स्टेटमेंट लिखना है उसे लिखना होता है, परसेंटेज डी फॉर। और यहाँ पर देखिए परसेंटेज डी जो होता है वो इंटीजर के लिए यूज होता है, परसेंटेज एफ रियल वैल्यू के लिए यूज होता है, और सी जो है चैरेक्टर वैल्यू के, परसेंटेज सी जो है वो चैरेक्टर वैल्यू के लिए होता है असाइन करने के लिए। मतलब जैसे उस वैल्यू को, वो किसका वैल्यू है उसको असाइन करने के लिए उसका यूज होता है। अभी जब आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम इसे आप जो जब प्रैक्टिकल करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंटीजर वेरिएबल्स, रियल वेरिएबल्स, चैरेक्टर वेरिएबल्स। अब इंटीजर वेरिएबल्स में क्या आते हैं? इंटीजर वेरिएबल्स आप देख सकते हैं, इंट आपको लिखना होता है वेरिएबल में, आपको इंटीजर नहीं लिखना होता है, आपको लिखना होता है इंट। और रियल वेरिएबल्स में आपको इंट नहीं लिखना होता है, आपको फ्लोट लिखना होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको फ्लोट वैल्यू डिक्लेयर करना है तो आप इंट वेरिएबल्स नहीं लेंगे, फ्लोट लेंगे, क्योंकि जो पॉइंट वैल्यू होते हैं उन्हें फ्लोट वेरिएबल में
डिक्लेयर किया जाता है। और अगर आपको कैरेक्टर वैल्यू लेना है तो आपको कैरेक्टर वेरिएबल्स में स्टोर करवाना होगा, जैसे मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो आ जाते हैं हम टर्बो सी पर प्लस प्लस पर, और सिंपली हम यहाँ पर जाकर एक न्यू फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हेडर फाइल को ऐड करना होता है, तो जल्दी जल्दी हम अपने हेडर फाइल को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम दूसरा हेडर फाइल भी अपना ऐड कर लेंगे। कोनियो डॉट एच। उसके बाद हमारा होता है मेन मेथड, तो सिंपली हम अपना मेन मेथड टाइप कर लेते हैं। उसके बाद होते हैं कर्ली ब्रेसेस, तो कर्ली ब्रेसेस, ओपन कर्ली ब्रेसेस और क्लोज कर्ली ब्रेसेस। अब ओपन कर्ली ब्रेसेस और क्लोज कर्ली ब्रेसेस के बीच में ही हमें अपने स्टेटमेंट को, अपने कोड को टाइप करना है। तो सिंपली हमें देखना है, तो हम अपना, अगर देखिए अब यहाँ पर होता है वेरिएबल डिक्लेयर करना। अगर आप इंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आपको, आप इसमें 1, 2, 3 इस तरह के वैल्यू को ही पुट कर सकते हैं, पॉइंट वैल्यू को नहीं पुट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने जैसे इंट मैंने लिया ए, उसके बाद लगाना होता है सेमी कॉलन, क्योंकि सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना बहुत ज़रूरी है मेन फंक्शन के बाद। उसके बाद होता है, उसके बाद हम जैसे लिख देते हैं ए इज इक्वल टू, अगर 2 लिखते हैं तब तो ये हमारा सही है। जैसे ए इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, और हम प्रिंट एफ में प्रिंट करवाने के लिए, प्रिंट कुछ को प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट एफ का यूज करेंगे। तो प्रिंट एफ, फिर इसके अंदर मैं जैसे भी कुछ लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू, इंटीजर वैल्यू है उसके लिए परसेंटेज डी लिखेंगे। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इंटीजर वैल्यू के लिए परसेंटेज डी, और फ्लोट वैल्यू के लिए परसेंटेज एफ, और कैरेक्टर वैल्यू के लिए परसेंटेज सी। तो इंटीजर वैल्यू है तो परसेंटेज डी लिखेंगे, फिर डबल कोड में क्लोज करेंगे, और उसके बाद कामा लगाएंगे। अब आप ये किसके भी लिए, जिस वेरिएबल के लिए भी कर रहे हैं, आपको यहाँ पर उसको टाइप करना है। तो मैं ये ए के लिए कर रहा हूँ, तो सिंपली आपको यहाँ पर ए टाइप कर लेना है। उसके बाद ब्रैकेट लगाना है, सेमी कॉलन लगा देना है। उसके बाद स्क्रीन को होल्ड करने के लिए जी ई टी सी एच गेट्स इसको टाइप करना है, और क्लियर स्क्रीन करने के लिए, पुराने रिजल्ट ना शो हो उसके लिए, आपको यहाँ पर सी एल आर एस सी आर उसके बाद इसे कर लेना है। अब इसे हम कंपाइल करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम एरर बता रहा है, देख लेते कहाँ एरर है। ये देख लीजिए, प्रिंट एफ में आपको यहाँ पर स्पेस नहीं देना है, स्पेस को कट कर लेते हैं, और ए इज इक्वल टू परसेंटेज जो दी है यहाँ पर देखिए, ए को यहाँ पर हमने टर्मिनेट नहीं किया है सेमी कॉलन से, इसलिए रॉन्ग बता रहा है। देखिए सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर लिए, उसके बाद हम कंपाइल करेंगे, देखिए सक्सेस बता रहा है। पर अगर हम यहाँ पर ए इज इक्वल टू, अगर इंट वेरिएबल में अगर हम पॉइंट वैल्यू ऐड कर देंगे, जैसे मैंने 0.2.2 ऐड कर दिया, तो ये रॉन्ग बताएगा। जैसे हम कंपाइल करते हैं, देखिए ये सक्सेस तो बता रहा है पर ये सही नहीं है। अभी हम रन करवा के देखते हैं, देखिए ये अभी ए इज इक्वल टू 2 ही बता रहा है, लेकिन हमने तो टाइप किया है ए इज इक्वल टू 2.2, यानी कि ये फ्लोट वैल्यू को आपको टाइप कर नहीं देगा। इसलिए आपको फ्लोट वैल्यू, अगर आपको पॉइंट वैल्यू कर टाइप कर नहीं देगा, क्योंकि 2 हम इस जो आपको आपको इंटीजर वैल्यू रहेगा वही टाइप करके देगा। इसलिए हम अगर हम तो देखिए मैं अगर दिखाता हूँ, अगर हम यहाँ पर फ्लोट वैल्यू टाइप करते, अगर यहाँ पर हमने इंट की जगह फ्लोट टाइप कर लिया, फ्लोट फ्लोट वेरिएबल ले लिया,
फ्लोट तो ये हमारा शो करेगा, पर इसके लिए पहले आपको यहाँ पर परसेंटेज के डी की जगह पर परसेंटेज एफ टाइप करना होगा। अब देखिए यहाँ पर 2.2 है, तो अब हम अगर रन करवाते हैं तो ये देखिए 2.2 हमें पूरा लिखा दिया। अगर यही बात है, अगर आप इंटीजर वैल्यू में अगर पॉइंट वैल्यू को, अगर इंट वेरिएबल में पॉइंट वैल्यू को ऐड करेंगे तो आपको वो पूरा सही से रिजल्ट नहीं देगा, पूरा रिजल्ट नहीं देगा, पर अगर आप फ्लोट वैल्यू में पॉइंट वैल्यू को ऐड करेंगे तो वो पूरा रिजल्ट देगा। अब फिर हम बढ़ते हैं, आपको समझ तो आ ही गया होगा। अब हम बढ़ते हैं फिर से अपने नोट्स की तरफ। उसके बाद है रिसीविंग इनपुट फ्रॉम यूजर इन ऑर्डर टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर्स एंड असाइन इट टू वेरिएबल वी यूज स्कैन एफ फंक्शन। देखिए वेरिएबल्स यूजर से वैल्यू को रिसीव करने के लिए और उसको असाइन करने के लिए हम स्कैन एफ फंक्शन का यूज करते हैं। सिंटेक्स फॉर यूजिंग स्कैन एफ, इसका भी स्कैन एफ का यूज करने के लिए भी हमको एक सिंटेक्स लगता है। तो सिंटेक्स क्या है, स्कैन एफ फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट, उसके बीच में डबल कोट लिखना होता है, उसके बीच में आप जो लिखेंगे उसको रन करवाएंगे। जैसे आपको उसके बीच में लिखना होता है परसेंटेज, परसेंटेज आपको जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, अगर इंटीजर लिया है तो परसेंटेज डी, अगर फ्लोट वैल्यू लिया है तो परसेंटेज एफ, कैरेक्टर वैल्यू लिया है, वेरिएबल लिया है तो परसेंटेज सी। उसके बाद होता है एड्रेस आप, उसके बाद होता है जो भी आपने वेरिएबल वेरिएबल में वैल्यू पुट किया है वो टाइप करना होता है। एड्रेस आप देखिए, एड्रेस आप लिखना आपको बहुत ज़रूरी है, जो हम एंड कहते हैं वो इसके लिए एड्रेस आप है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वैल्यू को असाइन करने के लिए स्कैन एप का यूज करेंगे और एड्रेस आप लगाना बहुत ही ज़रूरी है। एड्रेस आप इज एड्रेस आप ऑपरेटर एंड इट मीन्स डेट सप्लाइड वैल्यू शुड बी कॉपीड टू एड्रेस विच इज इंडिकेटेड बाई वेरिएबल्स। जो ये है ये इंडिकेट करता है कि किस वेरिएबल से इस वैल्यू को लिया गया है। तो हम इसका भी प्रैक्टिकल करते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो सिंपली आ जाते हैं, जैसे हमने आपको यहाँ पर किया है, तो सिंपली अगर हम यहाँ इसी प्रोग्राम को बनाकर दिखाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमने फ्लोट वैल्यू लिया है और एक और वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि डबल वेरिएबल रहेगा तभी हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम एक और वेरिएबल लेते हैं, तो एक और वेरिएबल लेने के लिए इसके बाद कामा लगाएंगे और एक जो और वेरिएबल जो लिखना है उसे ले लेंगे बी, हमने जैसे ले लिया और ए इजक्ल टू इतना लिखे हैं और बी इजक्ल टू भी आपको बता देना है कि कितना है। तो मैं बी इजक्ल टू ले लेता हूँ, बी इजक्ल टू 2.5। अब इसको देखिए परसेंटेज एफ इतना तो लिख लिए, परसेंटेज एफ अगर देखिए हम प्रिंट करवाने के लिए कुछ कर देंगे, जैसे मान लीजिए हम प्रिंट एफ में लिख लेते हैं, अब प्रिंट एफ में जो भी लिखेंगे अब वही स्टेटमेंट रन होगा, प्रिंट होगा। तो जैसे मैं अगर लिख देता हूँ इसके लिए, अगर ए को छपवाना है तो जैसे मैं लिख देता हूँ एंटर द ए, इसे लिखने के बाद हम इसे लगाए और इसे लगा दिए। अब ये सबसे पहले लिखाएगा एंटर द ए और उसके बाद ये ए किसके लिए लिखे हैं, इस वैल्यू को असाइन करने के लिए हम यहाँ पर जो धरा दे स्कैन ऐप का यूज करेंगे। जैसे हम तो लिखते हैं ए इंटर द ए, पर ये इंटर द ए किसके लिए लिखे हैं, इसी को असाइन करने के लिए स्कैन ऐप का यूज करते हैं। तो स्कैन ऐप जैसे मैंने टाइप किया स्कैन ऐप, फिर उसके बाद इसके आपको फ्लोट वैल्यू था परसेंटेज, हाँ
नहीं कर भाई से नहीं बुलावत रंग मोटर रखवा खाली ता नहीं के हम हम आवा त नहीं भाई से साइकिल ले चल के कहां से साइकिल ले चल के नहीं कहां ले चल कपस कथ आवा त कर भाई वही खड़ा तो कुछ पता नहीं कि रुक मां के नेत की भाग गई कान को कला रुक आओ ते कब कला हम उड़न अब कानी नहीं आते के सर ये सब पप्पू का दुआर चले ले तो रुक आओ तो कहां हां तब 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 ई करियो के भाई से स्कूल हम नहीं थोड़ा हम तो नहीं साइकिल ले चलन की में रेस की पूरा पप्पू द्वारा रुसल हम के कैन वही से आओ इनकी भाई से इतना है कहीं घूम ले तब कहीं दिन घूम के होना चाहिए घूम के ही होने का तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हैं। यहाँ पर जो प्रिंट एफ में है अगर इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये सही से रन नहीं होगा। तो रन तो होगा पर हमें रिजल्ट नहीं सही से देगा, इसलिए हम सिंपली यहाँ पर कट कर कर लिख लेते हैं। जैसे हम टाइप कर लेते हैं जैसे द वैल्यू वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑफ ए द वैल्यू ऑफ ए इज वेरिएबल, ये हमारा फ्लोट वेरिएबल है इसलिए परसेंटेज एफ लिखेंगे। तो यहाँ पर परसेंटेज एफ लिख लेंगे, उसके बाद डबल कोट फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम जैसे हम किसके लिए कर रहे हैं ए के लिए, तो सिंपली यहाँ पर हम ए टाइप कर लेंगे। तो ए उसके बाद हम स्कैन एफ में आएंगे असाइन करने के लिए। स्कैन एफ में परसेंटेज एफ तक लिखे ही हैं, उसके बाद सिंपली हम कॉमा लिखेंगे कॉमा, उसके बाद एंड एड्रेस ऑफ, और उसके बाद के किसके लिए कर रहे हैं ए के लिए तो ए लिख लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट और सेमी कॉलन लगा देंगे सेमी कॉलन। अब दूसरे वेरिएबल्स को जो हमारा बी है उसे प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट एफ का यूज करेंगे। फिर प्रिंट एफ में हम टाइप कर लेते हैं, प्रिंट एफ पे ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम डबल कोट, फिर डबल कोट लिख लेते हैं, फिर जैसे टाइप कर लेते हैं जैसे द वैल्यू ऑफ ए इज, ये भी हमारा जो है फ्लोट वेरिएबल है इसलिए इसको भी हम परसेंटेज एफ लिखेंगे। परसेंटेज एफ फिर डबल कोड फिर कॉमा, फिर उसके लिए किसके लिए कर रहे हैं बी के लिए, तो सिंपली बी टाइप कर लेंगे बी, यहाँ पर बी लिख लेते हैं बी, फिर हम लगा लेंगे ब्रैकेट और सेमी कॉलन लगा देंगे। अब इसको भी असाइन करने के लिए स्कैन ऐप का यूज़ करेंगे। अब जैसे हमने प्रिंट ऐप तो लिख लिया पर ये किसके लिए लिखा है इसको असाइन करने के लिए हम स्कैन ऐप का यूज़ करते हैं। तो स्कैन ऐप फिर ब्रैकेट फिर डबल कोड और इसके बीच में हम लिख लेते हैं परसेंटेज ऐप, क्योंकि वेरिएबल हमारा है फ्लोट वेरिएबल है, फिर परसेंटेज ऐप डबल कॉमा फिर कॉमा एड्रेस आप लिखेंगे। एड्रेस आप किसका है बी का है तो बी लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और सेमी कॉलन लगा देंगे। अब ये हो गया हमारा। अब हम कंपाइल करके देख लेते हैं तो ये देखिए सक्सेस बता रहा है हमारा। अब हम रन करवा के देख लेते हैं तो ये देखिए बोल आया द वैल्यू ऑफ ए इज 2.2 जो हमने ए के वेरिएबल में लिखा था। तो हम इंटर दबाकर अब कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे हम टाइप कर लेते हैं बी टाइप कर देते हैं यहाँ पर बी, फिर इंटर दबाते हैं तो ये देखिए बोल रहा है द वैल्यू ऑफ ए इज 2.5। लगता है हमारे प्रोग्राम में कहीं गड़बड़ी है तो थोड़ा हम जाकर देख लेते हैं। तो हम फिर से इंटर दबाएंगे तो यहाँ पर इंटर दबाते हैं, फिर देखिए ओ देखिए यहाँ पर हमने प्रिंट एफ में जो हमने बी के लिए साइन कहा है यहाँ पर देखिए ए, यहाँ पर भी हमने ए ही लिख दिया इसीलिए ये ए लिखा है। देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ, देखिए रुक जाइए, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने ए पर देखिए यहाँ पर ए पर हमने फिर से अगर हम देखिए यहाँ पर इसीलिए ए लिख रहा था क्योंकि हमने बी को असाइन प्रिंट करवाने के लिए भी ए ही टाइप कर दिया है। तो यहाँ पर सिंपली हम कट कर कर बी टाइप कर लेंगे तो यहाँ बी टाइप कर लेते हैं। अब हम रन करवा कर देखेंगे तो देखिए हमारा वैल्यू ऑफ ए इज बता रहा है 2.2 जो हमने प्रिंट करवाया था। और इंटर दबाकर जैसे हम बी टाइप कर लेते हैं, कुछ भी टाइप कर लीजिए, जैसे बी टाइप करते हैं बी टाइप कर कर इंटर दबाते हैं तो ये देखिए बोला है द वैल्यू ऑफ बी इज 2.5। देखिए हम इसी तरह इसको स्कैन करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और जरूर कीजिए, और अगर इसको इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर और इसका प्रैक्टिस सेट हम अगले वीडियो में देंगे और इसका हम चैप्टर वाइज लाते रहेंगे। तो इसको सेव कर लेते हैं। घूम के भी नहीं करते।